स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 का इंग्लिश प्रोज का लेसन 1 हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, और इसके राइटर हैं ब्रोकर टी वाशिंगटन। मुझे थोड़ा जुखाम है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही होगी। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। और आप वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन कोयले की खदान में काम करने के दौरान, कोल माइन का मतलब होता है कोयले की खदान, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. Miners का अर्थ है कोयले की खदान में करने वाला मजदूर। मैंने चुपके से दो मजदूरों के द्वारा कहते हुए या बात करते हुए सुना एक महान स्कूल के बारे में जो कलर्ड पीपल के लिए था। कलर्ड पीपल का अर्थ है काले लोगों के लिए था, जो कि वर्जाइना में कहीं था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल आर कॉलेज दैट वॉज मोर प्रिटेंटियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। यह पहली बार था जब मैं कभी किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था दैट वॉज मोर प्रिटेंटियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। यह स्कूल के बारे में मैंने जो सुना था, यह अब तक के किसी भी स्कूल के बारे में सुने गए किसी भी स्कूल के बारे में जो मैंने कुछ सुना था उन स्कूलों के बारे में जो हमारे कस्बे में थे कलर्ड पीपल के लिए, काले लोगों के लिए, उससे कहीं अधिक था। एस दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे वे लोग, वे दोनों मजदूर स्कूल के बारे में वर्णन करते गए, बताते गए, इट सीम्ड टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। मुझे ऐसा लगा कि यह जो स्कूल है धरती का सबसे महान, सबसे अच्छा जगह है। नॉट इवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम That did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia. उस समय Hampton Normal and Agriculture Institute, जो कि वर्जाइना में था, मेरे लिए सबसे आकर्षण का विषय था। About which these men were talking, जिसके बारे में ये दोनों मजदूर, ये दोनों कोयले की खदान में कार्य करने वाले मजदूर बात कर रहे थे। I resolved at once to go to that school. मैंने तुरंत ही उस स्कूल पर जाने का, उस स्कूल तक जाने का निर्णय लिया। resolved का मतलब होता है निवारण करना, तो यहाँ अर्थ है कि मैंने तुरंत ही उस स्कूल तक पहुँचने का निर्णय लिया। although I had no idea, यद्यपि मेरे पास कोई विचार नहीं थे, कोई सोच नहीं थी, where it was, यह कहाँ पे है, ये जो विचार थे कि ये स्कूल कहाँ पे है, आर हाउ मैनी माइल्स अवे, या फिर यह कितने मील दूर है, आर हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, या मैं वहाँ पे किस तरह से पहुँचूंगा, इसका मुझे कोई विचार नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, मैं इस महत्वाकांक्षा के साथ गतिवान था। फायर ऑन का अर्थ है गतिवान, कॉन्स्टेंटली का अर्थ है लगातार। मैं इस महत्वाकांक्षा के साथ लगातार ही गतिवान था। एम्बिशन का अर्थ है महत्वाकांक्षा, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और यह महत्वाकांक्षा थी हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, और यह विचार मेरे साथ दिन रात हमेशा रहता था, सोते जागते हमेशा। In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there.
1872 की समाप्ति पर मैंने इस बात का दृढ़ निश्चय किया, डिटरमिंड का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना, कि मैं वहां जाने के लिए प्रयास करूंगा। माई मदर वॉज ट्रबल्ड, मेरी माँ परेशान थी, विथ ए ग्रेव फियर, काफी अधिक डर था। आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस का अर्थ है असंभव कार्य करने के लिए मूर्खतापूर्ण प्रयास करना। और मेरी माँ जो बहुत डरी हुई थी, इसलिए डरी हुई थी कि मैं एक मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रहा हूँ, एक मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहा हूँ असंभव कार्य के लिए, इसलिए मेरी माँ काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी परेशान थी। एट एनी रेट आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट, किसी भी तरह मैंने केवल आधे दिल से परमिशन लिया फ्रॉम हर, उससे, दैट आई माइट स्टार्ट, जो मुझे शुरुआत करनी थी हैम्पटन के लिए। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे, विथ विच टू बाई क्लोथ्स, जिससे मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे, एंड टू पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और यात्रा का खर्च उठाना था। माई ब्रदर जॉन्स हेल्प्ड मी ऑल, मेरा जो भाई था जॉन, उसने मेरी मदद की, दैट ही कुड, जितना वह कर सकता था, बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित ही, दैट वॉज नॉट ए ग्रेट डे, लेकिन वह काफी नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंततः वह महान दिन भी आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। आई हैड ओनली ए स्मॉल चिप सैचल दैट कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोदिंग आई कुड गेट, मेरे पास एक छोटा सा सस्ता सा झोला था, सैचल का अर्थ है झोला, जिसमें थोड़े से कपड़े वगैरह थे जो मैं पा सका था या जो मेरे पास थे। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उस समय मेरी माँ तुलनात्मक रूप से कुछ ज़्यादा ही कमजोर थी और हेल्थ भी उसका बहुत खराब था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं बड़ी मुश्किल से आशा कर पा रहा था कि मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाऊंगा। एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, और इस तरह से जो हम मेरे प्रस्थान का या विदाई का समय था वो बहुत ही उदासीपूर्ण था। सी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव दो इट ऑल, यद्यपि वह काफी साहसी थी। द डिस्टेंस फ्रॉम मार्लैंड टू हैम्पटन इज अबाउट 500 miles, मार्लैंड से हैम्पटन का जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो लगभग 500 मील थी बाय वॉकिंग। बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन एंड इन द कार्स इन सम वे आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिकमंड, पैदल चलते हुए और दूसरे सवारियों से लिफ्ट लेते हुए या दूसरे सवारियों से चढ़ने के लिए याचना करते हुए, ये सवारियां थी, वैगन थे, कुछ कार थे जो भी रास्ते में मिले, और आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, काफ़ी दिनों के बाद मैं एक शहर जिसका नाम रिकमंड है पहुंचा। वर्जाइना अबाउट 82 miles फ्रॉम हैम्पटन, वर्जानिया हैम्पटन से 82 miles की दूरी पे है। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड, थका हुआ था, अंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, गंदा भी था। इट वॉज लेट इन द नाइट, और यह जो समय था काफ़ी देर रात का था। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी किसी बड़े शहर में नहीं गया था, कभी बड़ा शहर नहीं देखा था, एंड दिस रेदर एडेड टू माई मिजरी, और इसने भी मेरी परेशानी को बढ़ा दिया था। व्हेन आई रीच्ड रिकमंड, जब मैं रिकमंड पहुंचा, आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं पूर्णतया निर्धन हो गया था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेटेंस इन द प्लेस, एक्वेटेंस का अर्थ है परिचित, इस स्थान पे मेरे पास एक भी परिचित नहीं था, कोई भी जानने पहचानने वाला नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और
शहर की इन अनजाने रास्तों से होते हुए आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने कई स्थानों पर लॉजिंग के लिए ठहरने के लिए पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, पर वे सभी स्थान पैसे की मांग कर रहे थे। एंड दैट वॉज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वही तो मेरे पास नहीं था, मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं थे। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, क्या करना है मैं नहीं जानता था। आई वॉक द स्ट्रीट, मैं गलियों में टहलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं आधी रात के बाद तक गलियों में टहलता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, अंत में मैं इतना थक गया कि अब और नहीं चल सकता था। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है अत्यधिक थकान। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज अंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, मैं सब कुछ था पर निरुत्साहित या साहस नहीं खोया था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, यह वह समय था जब मैं अपने अधिकतम थकान पे पहुंच चुका था। आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ इस स्ट्रीट, मैं एक स्ट्रीट के एक कोने तक पहुंचा था वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, वहां पे चौड़ा साइड वॉक रोड के किनारे का जो रास्ता था वो थोड़ा सा ऊंचा था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट इंतजार किया। टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर बाई कुड सी मी, जब मुझे निश्चित हो गया, जब मैंने सुनिश्चित कर लिया कि कोई भी गुजरने वाला मुझे नहीं देख सकेगा या नहीं देख रहा है, पैसर बाई मतलब पैदल गुजरने वाला। एंड देन क्रिप्ट अंडर द साइड वॉक, तो मैं साइड वॉक के नीचे सरक गया। एंड ले फॉर ए नाइट, और पूरी रात के लिए लेट गया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर ही, विथ माई सैचल ऑफ क्लोदिंग फॉर ए पिलो, अपने उस झोले के साथ जिसे मैंने अपना तकिया बना लिया था। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैप ऑफ फीट ओवर माई हेड, लगभग पूरी रात ही मैं अपने सिर के ऊपर पैदल चलने वालों के पैरों की आवाज सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, मैंने अपने आप को कुछ तरोताजा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली अंग्री, लेकिन मैं अत्यधिक भूखा था। एक्सट्रीमली का अर्थ अत्यधिक, अंग्री मीन्स भूखा। एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, जितना जल्द इतना प्रकाश हो गया कि मैं अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की वस्तुओं को ठीक से देख सकूं। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, मैंने देखा दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक बड़े से शिप के पास हूं। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा। ऐसा लग रहा था कि इस शिप से कच्चे लोहे के सामान को उतारा जा रहा है। अनलोडिंग का मतलब है उतारा जाना। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत ही उस जहाज के पास गया। एंड आस्क द कैप्टन, और कैप्टन से पूछा, टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी, और कैप्टन से पूछा कि मुझे इस बात की अनुमति दी जाए कि मैं इस जहाज से सामानों को उतारने में सहायता करूं और इसके बदले में कुछ पैसा पाऊं फॉर फूड, भोजन के लिए। द कैप्टन ए व्हाइट मैन, जो कैप्टन था वह एक गोरा आदमी था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, ऐसा लगता था कि वह दयालु हृदय का था, कंसेंटेड, मुझे इस बात की अनुमति दे दिया। आई वर्क्ड, मैंने कार्य किया लॉन्ग एनफ, काफी लंबे समय तक, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, मेरे ब्रेकफास्ट के लिए, मेरे नाश्ते के लिए। एंड इट सीम टू मी, और मुझे ऐसा लगा, एस आई रिमेम्बर इट नाउ, जैसा कि मुझे अभी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, वह जो नाश्ता था मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन नाश्ता था
जो मैंने कभी अभी तक खाया था। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी। मेरे काम ने कैप्टन को इतना खुश किया, इतना प्रसन्न किया कि उसने मुझसे कहा आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे। मैं एक छोटे से धनराशि के लिए कुछ दिनों तक लगातार काम कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और ऐसा करके मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज। मैंने इस जहाज पर कुछ दिनों तक लगातार कार्य किया। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेज, भोजन खरीदने के बाद उस अपने छोटे से कमाई से भोजन खरीदने के बाद देयर वॉज नो नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं बचता था हैम्पटन के लिए पहुँचने के लिए जो किराए की ज़रूरत थी उस हिसाब से। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज्ड इन एवरी वे पॉसिबल, और हर संभव रास्तों से, हर संभव तरीके से मैंने पैसे बचाने की कोशिश की। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक। मैंने साइड वॉक के नीचे सोना जारी रखा। वेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन, जब मैंने पर्याप्त पैसे जुटा लिए, बचा लिए, जो हैम्पटन तक पहुंचने के लिए थे, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस। मैंने उस जहाज के कैप्टन को धन्यवाद कहा उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर शुरू हो गया, फिर चल पड़ा। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रेंस, कोई असामान्य बात नहीं हुई। आई रीच हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट, जब मैं वहाँ पहुंचा हैम्पटन तो मेरे पास ठीक ठीक 50 सेंट्स थे, जहाँ से जिसके साथ मुझे अपना शिक्षा शुरू करना था। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. जो पहला दृश्य था उस विशाल 3 मंजिला ईंट के बने हुए स्कूल की इमारत का, मेरे लिए एक इनाम जैसा लगा, जो मैं वहाँ तक, उस स्थान तक पहुँचने के लिए जो परिश्रम किया था, उस स्कूल का दृश्य मेरे लिए एक इनाम जैसा था। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, स्कूल का यह दृश्य मुझे एक नया जीवन दिया, ऐसा मैंने पाया। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जितना जल्दी संभव हो सका उतना जल्दी मैं हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड पर, जमीन पर या स्कूल के अंदर पहुंचा। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने अपने आप को हेड टीचर के सामने प्रस्तुत किया फॉर असाइनमेंट टू द क्लास, क्लास में दाखिला के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, काफ़ी समय से अच्छा भोजन न मिलने के कारण, ये बात स्नान न होने के कारण, चेंज ऑफ क्लोथिंग, वस्त्रों के न बदले जाने के कारण, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। मैं उनके ऊपर एक अच्छा प्रभावशाली असर नहीं डाल सका। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वेयर डाउट इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट। मैं देख सका था उनके चेहरे पर संदेह के भाव थे, कि उनके दिमाग में जो संदेह था मैं देख सका था उनके चेहरे पर, कि क्या मुझे एक स्टूडेंट के रूप में दाखिला देना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय के लिए उन्होंने मेरे दाखिले को नामंजूरी भी नहीं दी। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, ना तो उन्होंने मेरे पक्ष में ही कुछ निर्णय लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं
वहां ठहरा रहा लगातार, लिंगर का मतलब होता है ठहरना, एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे, मैंने उनको हर तरह से प्रभावित करना चाहा, आई कुड विथ माई वर्थलेसनेस, जैसा कुछ मैं कर सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। इन द मीन टाइम, इस बीच आई सा हर एडमिटिंग अदर इन अदर स्टूडेंट, इस बीच मैंने देखा कि वह दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे छात्रों को दाखिला दे रही है, एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिसकम्फर्ट, और इस कारण से मैं ज़्यादा असहज हुआ। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैं अपने हृदय में काफ़ी डूब गया, मेरा हृदय डूबने लगा। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, जैसा मैं कर सकता था, एज वेल एज दे, जैसा वे करते हैं। इफ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, यदि मुझे केवल एक अवसर दिया जाए यह दिखाने के लिए कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या योग्यता है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, ये जो बगल का समीपवर्ती कमरा है, कविता कक्ष है, उसमें झाड़ू की जरूरत है, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू लो और उसको साफ करो। इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट देयर वाज माई चांस, मुझे लगा कि अब यही मेरे लिए एक अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, इतनी प्रसन्नता के साथ मैंने कभी कोई आदेश नहीं लिया था। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times, मैंने उस कविता कक्ष को 3 बार साफ किया, 3 बार झाड़ू लगाया। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लोथ, तब मैंने एक डस्टिंग क्लोथ जिससे धूल साफ किया जाता है लिया, एंड डस्टेड इट 4 times, और 4 बार धूल को झाड़ा। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, सभी लकड़ी के जो आर्टिकल्स थे दीवालों पर उनको 4 बार झाड़ा। एवरी बेंच, सभी बेंच को झाड़ा, टेबल और डेस्क को भी झाड़ा। आई वेंट ओवर 4 times विथ माई डस्टिंग क्लोथ्स, मैं अपने उस डस्टिंग क्लोथ के साथ 4 बार डस्ट को, धूल को साफ किया। बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड, एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थोरली क्लीन्ड, फर्नीचर के प्रत्येक टुकड़े में, कहने का मतलब है हर फर्नीचर को जो मूव कर सकता था, एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर, सभी कोने को, उस रूम के सभी कोने, सभी फर्नीचर को मैंने साफ कर दिया था। आई हैड द फीलिंग दैट इन ए लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ द रूम, मुझे इस बात की अनुभूति थी, इस बात का एहसास था कि मेरा जो भविष्य है इस बात पर निर्भर करता है कि इस रूम की सफाई करके मैं जो असर डालूंगा, जो प्रभाव डालूंगा अध्यापिका पर, उसी पर मेरा भविष्य निर्भर करता है। When I was though I reported to the head teacher, जब मैंने उस हेड टीचर को इस बारे में बताया, यौंकी मतलब इंग्लिश वुमेन थी, वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, वो अच्छी तरह से जानती थी कि धूल गंदगी कहाँ होती है। सी वेंट इन टू द रूम, वो रूम में गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट, उसने फ्लोर को, फर्श को और क्लोजेट को, अलमारियों को देखा। देन सी टुक हर हैंडकरचीफ एंड रब्ड इट, तो उसने अपने रुमाल को उठाया और इन चीज़ों को रगड़ कर देखा। ऑन द वुड वर्क, लकड़ी के जो आर्टिकल्स थे, अबाउट द वॉल्स, दीवालों पर, एंड ओवर द टेबल, और अपने रुमाल को टेबल और बेंच पर भी रगड़ कर देखा। When she was unable to find one bit of dirt, जब वह धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ थी, मतलब धूल का एक भी कण नहीं पाई, द फ्लोर, फर्श पर भी धूल का एक कण नहीं पाई, आर ए पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी द फर्नीचर,
और फर्नीचर पे भी धूल का एक भी कण नहीं पाई। सी क्वाइटली रिमार्क, उसने शांति से रिमार्क दिया, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूट। मैं अनुमान लगाती हूँ कि तुम इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लोगे। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, मैं धरती का सबसे प्रसन्न आत्मा था। उस समय मैं इतना प्रसन्न था कि मुझे लगा कि मैं धरती पे सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। द स्वीपिंग ऑफ द रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, रूम में झाड़ू लगाना मेरा कॉलेज का एग्जामिनेशन था, परीक्षा था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से आज तक मैंने बहुत सी परीक्षाएं पास कर ली हैं, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, लेकिन वह जो मेरी परीक्षा थी इंस्टीट्यूट में दाखिला की, वह सबसे बेहतरीन परीक्षा थी उन सभी परीक्षाओं में से जो मैंने अब तक पास की हैं।